Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by step AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, इस lesson के अंदर मैं आपको 3D के अंदर मजीद कुछ work करने का process बताऊंगा। जैसा कि आपने last lesson के अंदर देखा, मैंने windows क्या window की जगह कैसे बनाई है एक दीवार के अंदर और डोर के ऊपर से कैसे कवर किया। इसी तरह से इस लेसन के अंदर मैं आपको उन्हीं स्टेप्स को आगे लेकर जाते हुए, यानी कि मैं आपको विंडो की फ्रेम बनाना बताऊंगा, यानी कि उसका फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, फिर मैं आपको डोर की बताऊंगा डोर की फ्रेम्स कैसे बनाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, ऑटोकैड अपने पास ओपन कर लें। तो लास्ट प्रोजेक्ट में हम कुछ यहाँ तक पहुंचे थे, इस लेसन के अंदर मैं आपको इनकी फ्रेम चौकाट वगैरह बनाने बता रहा हूँ कैसे बनाई जाती है। तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस लेसन के अंदर कुछ मुझे लेयर्स मजीद ऐड करनी है। अब वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक डोर फ्रेम के नाम से ऐड कर लेता हूँ, एक विंडो की फ्रेम के नाम से ऐड कर लेता हूँ और एक मिरर के नाम से, क्योंकि विंडो के अंदर मैं एक मिरर भी ड्रॉ करना चाहूंगा उसी टाइम पे, तो मिरर के नाम से मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अब इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, एल एंटर का अपने कीबोर्ड से लेयर्स, या आप लेयर मैनेज के यहाँ पे क्लिक कर दें, एक लेयर ऐड कर दें अपने पास डोर फ्रेम की, डोर फ्रेम, ओके कर दें इसे। इस तरह से मैं एक और लेयर यहां पे बनाना चाहूंगा विंडो फ्रेम के नाम से, विंडो फ्रेम के नाम से आप बना लें। और मैं एक और बना लेता हूं मिरर के नाम से, और इसमें कलर जो है मैं इसको लगभग मिरर वाला ही दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ यहाँ से। इतनी स्टूडेंट्स मैंने ओके किया, तो मैं शुरू करता हूँ डोर से। मेरे पास ये डोर है, इसकी मैं फ्रेम कैसे बनाऊंगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग अपने डोर की लेयर्स के अंदर चले जाते हैं फ्रेम के, मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल उठा लें जिसको मैंने क्लिक यहां पे किया आउटर, या जैसे मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था जो ऑप्शन मैंने विंडोज के लिए दिया था सेम टू सेम वही आपने यहां पर भी यूज कर सकते हैं। मूव करें इस ऑब्जेक्ट को, मूव करके मैं इसको बाहर ले आऊंगा। अब सबसे पहला काम इसको एक्सप्लोर कर देता हूं, एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक कर दें या एक्स अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट कर दें, सिलेक्ट किया एक्स एंटर कर दें या एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक कर दें, तो मैंने एक्सप्लोर कर दिया। अब मैं इसे कुछ ऑफसेट दे देता हूं दोनों जानों से 2 2 इंच का, 2 और 2, कंट्रोल एस, मैंने इसको ट्रिम कर दिया। और ट्रिम कर देने के बाद मैं इसको रीजाइन का यूज कर लेता हूं या बाउंड्री का यूज कर लें, रीजाइन REG शॉर्टकट है, सिलेक्ट एंटर कर दें, EXT एक क्लिक इधर दूसरा क्लिक इधर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास ये जो हाइट बन रही है यहां से यहां तक वो 7 फिट है, तो आप भी इसको 7 फिट एंटर कर दें, तो देखें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएंगे। अब क्या करना है, एक और REC रेक्टेंगल लगा दें अपने पास, या अपने पास पॉइंट लेंस का जाल बना दें, एक क्लिक इधर दूसरा क्लिक इधर, एंड टू एंड दे दें बेहतर है, EXT सिलेक्ट इंटर, और उसको भी 2 इंच की हाइट दे दें, कंट्रोल एस। अब आप इसको मूव करेंगे इसके टॉप पॉइंट से, स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट तक, कंट्रोल एस कर डालें, आपने इसको टॉप टू टॉप मूव किया, आपके पास ये शेप इधर बनी आ चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूं, ये अलग है, ये अलग है और ये शेप अलग है, इनको एक करने के लिए मॉडिफाइड सॉलिडिटिंग और ये क्या है यूनियन, सेलेक्ट करें तीनों को, एंटर कर डालें। अब मूव के ऑप्शन कर दें, तो देखें इस पॉइंट से पिक करें और सीधा मैं इसको इस पॉइंट तक लेके चला जाता हूं, मैंने इसको मूव कर दिया, देखा परफेक्ट अपनी जगह पर आ चुका है। इस तरह से आपके पास ये विंडो है, इसको आपने क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे, इसका भी तरीका मेथड वही है, आप इसको रेक्टेंगल ड्रॉ करें, एक पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट इधर, इसको मैं उठाकर बाहर ले आता हूं, मैं इसको उठाकर इधर बाहर ले आया हूं, कंट्रोल एस, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्स एंटर कर देता हूं सिलेक्ट करके, देखिए मेरे पास ये शेप आ जाती है। अब सबसे पहले आप इसको ऑफसेट दे दें 2 2 इंच का, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, और मैं एक डायमेंशन लगा लेता हूं अंदर से अंदर की वैल्यू, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू देख लेता हूं मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 5 फुट 6 फुट और 5 इंच। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पर मैं 4 विंडोज बनाना चाह रहा हूं, 4। अब जब आप इसके अंदर 4 विंडोज बनाएंगे, तो मैंने आपको ये
मेथड एलिवेशंस के अंदर ही बताया था, जब अपने पास फोर विंडो बनाते हो, यानी कि आपके पास वन टू थ्री, यानी कि वन टू थ्री फोर विंडो बनेगी और आपके पास वन टू थ्री लाइनें बनेगी। अब साइडों वाली जो फ्रेम्स हैं वो तो मैंने बना डाली है यहाँ पे 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। अब रिमेनिंग जो मेरे पास एरिया है वो है 6 फिट एंड 5 इंच। अब 6 और 5 इंच में से आपने क्या करना है, 2 माइनस 2 माइनस 2, यानी कि 2 2 2 को आप माइनस करें तो हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना बनाता है, 6 इंच बन जाता है। अब 6 इंच में से आप क्या करें, 5 फिट्स 6 फिट्स और 5 इंच को अगर आप माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 फिट्स एंड 11 इंचेस, और 5 फिट्स 11 इंचेस को आपने इक्वली डिवाइड कर देना है इन फोर्स पे। तो आप क्या करेंगे, सी ए एल कैलकुलेटर, आप इसे देंगे 5.11, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऑप्शंस, तो हमारे पास आता है 15.33 की वैल्यू आ जाती है। तो ये ऑप्शन मैं आपको पहले भी एलिवेशन के अंदर बता चुका हूँ, आप ऑप्शन दें 1.533। ये जस्ट आपके पास 2 इंच का ऑफसेट, अगेन 1.533 2 इंच का ऑफसेट इसे दे दें आप, इसे 1.533 और 2 इंच का वैल्यू आप इसे दे दें। तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ मुझसे मिस्टेक हो चुकी है। अब उस मिस्टेक को मैं कवर कर लेता हूँ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हुआ क्या मिस्टेक हो चुकी थी, लिहाजा मैं अगेन इसी डायमेंशन को कंफर्म करना चाहूंगा। 1 और 2 पॉइंट इधर आपने दे दिए, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। मैं इसके अंदर 3 विंडोज बनाना चाहता हूँ, लेट से चले 1 2 3, 2 और 2, 4 को माइनस कर लेते हैं 4 इंच को। जब आप 4 इंच को माइनस करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 फिट और 1 इंच की। सी ए एल कैलकुलेटर 6.1, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के पर और डिवाइडेड बाय आप इसको कर देंगे 3 के पर, तो मेरे पास 24.4 की वैल्यू आ रही है। ऑफसेट देते हैं 24.4 की वैल्यू और 2 इंच जो मैंने माइनस किया था, 24.4 की वैल्यू और 2 इंच जो मैंने माइनस किया था, देखें अब मेरे पास परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको बाउंड्री लगा देते या ट्रिम कर दें आप इसे, मैंने इसको ट्रिम कर दिया TR, ये ट्रिम कर दिया, मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स बने आ चुके हैं। इनको मैं रिजाइन कर लेता हूँ, REG सेलेक्ट एंटर कर दें, कंट्रोल S, EXT मैंने तमाम को सिलेक्ट करके EXT किया और इनको मैं जो हाइट देना चाह रहा हूँ वो मैं देना चाह रहा हूँ वही 4 फिट्स की जो मेरे पास है। अब मैं एक REC रेक्टेंगल ड्रा करूंगा अपने पास नीचे से एंड में नीचे तक, EXT की वैल्यू दे देता हूँ एक्सट्रूड और 2 इंच की वैल्यू दे देता हूँ, मैं शेड लगा देता हूँ, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करूंगा, कॉपी याद रखिएगा इस लेसन में कॉपी कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, नीचे से यहाँ ऊपर टॉप तक क्लिक कर दें तो आपके पास ये शेप आ जाएगी। अब इसे UNI यूनियन की ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, ग्रुप बनाने के लिए मैंने इसको यूनियन किया। देखिए मेरे पास ये विंडो बन चुकी है, अब इसके अंदर मुझे मिरर चाहिए तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, मूव करके मैं बाहर आ जाऊंगा, ऑफसेट देता हूँ 1 इंच का और मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इधर से एंड और दूसरी लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से इधर एंड, मेरे पास ये आ जाता है। अब मैं इसको व्यू फॉर बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको इधर बाउंड्री लगा दें और EXT, मेरे पास विंडो की हाइट क्या है 4 फिट्स है, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं विंडो वाली लेयर के अंदर डाल देता हूँ और विंडो को मैं विंडो के अंदर, मिरर को मैं विंडो के, यानी कि इन सब को मैंने अपने अपनी लेयर्स के अंदर डाल दिया है। अब देखिए ये लेयर्स के अंदर आ चुके हैं, अब जस्ट आप इसे मूव करें, पिक मिडल, मिडल से मूव करें और सीधा यहाँ मिडल तक, क्लिक इधर एक क्लिक इधर, इसको भी आप एंड से उठा लें, यहाँ से उठाने के बाद आप आगे की तरफ निकल जाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें आप इसे, तो देखें आपके पास आपकी विंडो बिल्कुल परफेक्ट एरिया पर एडजस्टमेंट हो चुकी है, कंट्रोल एस। अब आपके पास जो डिफरेंट विंडो आती है वो आपके पास ये गोल विंडो है, इसको आप कैसे बनाएंगे, राउंडेड विंडो कैसे आप बनाते हैं, देखें इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट्स की कॉपी लेनी होगी इन ऑब्जेक्ट्स की, तो मैं ऑब्जेक्ट्स की कॉपी ले लेता हूँ, मैंने आल्ट ड्रॉ की, एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया और ये तीसरा पॉइंट दे दिया, मैं कॉपी कर लेता हूँ,
3 उठाकर मैं बाहर आ जाता हूं यहां पे, इसको ऑफसेट देता हूं 9 का, ये ने 9 का ऑफसेट दे दिया, एक्सटेंड कर देता हूं दोनों तरफ से, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ऑफसेट दे दिया 2 2 इंच का, 2 ऑफसेट में से देता हूं 2 इंच इधर, और इस तरह सही ऑफसेट 2 इंच मैंने इसके इधर दे दिया, एक्सटेंड में कर देता हूं ये, और मैं इसको ट्रिम कर दिया इस जगह पे, और इसको मैं इधर से ट्रिम कर देता हूं। अब मैं इसको सॉरी मिडिल से मैंने लाइन लगा ली, ऑफसेट में इसको देता हूं 2 2 इंच का ही, 1 इंच लेफ्ट 1 राइट, 2 इंच का मेरे पास ऑफसेट बन हुआ जाएगा, ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया। एक और मैं आर्क उठा लूंगा यहां से, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, तीसरा क्लिक यहां पे, इसको मैं ऑफसेट देता हूं 9 का पीछे की जाने, क्यों मुझे यहां पे मिड पॉइंट चाहिए था, और उसके अगेंस्ट यहां पे इसके ऑफसेट देता हूं 1 1 इंच का, 1 इधर है और 1 इधर, देखिए आपके पास ये बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, यहां पे पॉइंट्स गलत हो चुका था, मैंने वो ठीक किया, इसका मतलब है मेरा सेंटर पॉइंट भी प्रॉब्लम होगी, तो लिहाजा मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूं, आप ढूंढें आपका सेंटर पॉइंट की तरह नीचे से ये है और सामने देखें ये रहा, ऑफसेट दे दिया 1 लेफ्ट 1 राइट, एक्सटेंड कर दें इसको, और इधर से मैंने इसको ट्रिम कर डाला, ठीक है। इस तरह से मुझको ये शेप इस तरफ चाहिए, तो मैं इसको मिरर कर दूंगा, मिडिल से पिक किया, देखिए आपके पास ये आ गया, और एक्स्ट्रा लाइंस जो है ये आप डिलीट कर दें कंट्रोल एस, मैं इसके कोर कॉपी लेना चाहूंगा पूरे ऑब्जेक्ट्स की, उठाकर आगे ले आता हूं, ठीक है, और ट्रिम लगा देता हूं यहां से, थोड़ा सा बैक जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि इधर से कुछ एक्सटेंड कर देना है, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया कंट्रोल एस, मैंने इसको रीजाइन किया, एंटर कर दें कंट्रोल एस, ईएक्सटी कर दें इसे, ईएक्सटी एंटर कर दें, 4 फिट्स की हाइट दे दें सब ऑब्जेक्ट को। अब इसके मिडिल से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर डालें जो आपने मिडिल में ऑब्जेक्ट लगाए थे, क्योंकि ये आपके लिए अब यूजेबल नहीं है। अब बाउंड्री ड्रॉ करें यहां पर ही, बीओ एंटर कर दिया कंट्रोल एस, मैं इसको मूव करूंगा एंड पॉइंट से सीधा यहां एंड तक, ये ext और 2 इंच की हाइट, कॉपी, मैं इसको मूव करता हूं यहां से ऊपर टॉप तक, ये जगह तक, देखें आपके पास एरिया बना हुआ आ गया। अब uni यूनियन, ये आपने तमाम चीजों को यूनियन कर दिया, इसको सबसे पहले आप विंडो की फ्रेम के अंदर डालेंगे, मैंने इसको विंडो की फ्रेम के अंदर क्लिक कर दिया। अब मैं मिरर बना लेता हूं, ऑफसेट्स मैंने इसको दिया 4 इंच इधर से देता हूं, 4 इंच इधर से, ऑटोमेटिकली 1 इंच दरमियान में आ जाएगा क्योंकि 9 इंच की टोटल वैल्यू थी, एक्सटेंड ईएक्स, ये हो चुका है। अब बाउंड्री लगा दें आप इसके अंदर, बी ओ एंटर करने से बाउंड्री आ जाएगा, मिडिल वाला एरिया उठाया एंटर कंट्रोल एस ईएक्सटी, और 4 फिट्स की हाइट दे दें आप इसे, देखिए कलर, यानी कि आप इसको मिरर के अंदर डाल दें, मूव की ऑप्शन लगा लें, इधर से एंड से पिक कर लें और साथ में एंड में ले जाएं, ये ले गए आप। अब यहां पे एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इसको, फिर इधर एंड से उठा लें और सीधा यहां पे एंड पे क्लिक कर दीजिए कंट्रोल एस करते, तो देखा डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपने पास ये बनाएंगे। अब यहां पे मैं एक और फ्रेम बनाना चाह रहा हूं, क्लिक करें, ये रोशनदान कह रही है, ये कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस का भी, रेक्टेंगल उठा ले, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक यहां पे रहा, आप इसको कॉपी करें कंट्रोल एस, एक्सप्लोड कर दें, ऑफसेट डाल दें 2 2 इंच का, 2 इंच इधर 2 इंच इधर, ट्रिम कर दें टी आर, कंट्रोल एस कर दें इसे, और इसे आप रिजॉइन कर दें, रिजॉइन के ऊपर क्लिक किया, आर ई जी शॉर्टकट है, सिलेक्ट इंटर कर दें, अब ड्रॉ और सॉलिड एडिटिंग एक्सट्रूड लगा दें, ई एक्स इसकी शॉर्टकट है, इंटर कर दें और इसको 2 फिट्स की हाइट दे दें, हो गया। अब रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करें, आर ई सी इसकी शॉर्टकट है, एक पॉइंट इधर दूसरा इधर, अब वापस आप ई एक्स टी एक्सट्रूड लगा दें,
क्लिक इंटर और 2 इंच की हाइट दे दें। कॉपी कर लें, सी और शॉर्टकट है इसकी, सिलेक्ट इंटर, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा, स्केप कर दें, कंट्रोल एस, यूनियन लगा दें, यू एन आई शॉर्टकट है इसकी, ये यूनियन है, यू एन आई शॉर्टकट है इसकी, यू एन आई, सिलेक्ट करें, इंटर करें और इसको आप भी विंडो फ्रेम में कन्वर्ट कर दें और मूव करें कॉर्नर से, सेम वही कॉर्नर जाकर आगे क्लिक कर दें, ये रहा, कंट्रोल एस कर दें। अब आपके पास ये शेप कुछ ऐसे आ चुकी है, देखें ये कुछ आपके पास ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह ही आपको फ्रेम्स के ऊपर भी काम करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप्स इंशाल्लाह आगे निकलते जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बताऊंगा, इसके रूफ के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, यानी कि अगर हमको छत डालना है तो वो हमको किस मेथड के थ्रू डालना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें ख्याल रखनी होगी, किन चीज़ों का हमें सोचना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पे तमाम कंप्यूटर कोर्स आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में टेस्ट लेने के बाद आपको एक्सपी अकेडमी की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए ड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सपी अकेडमी की तैयार करता वीडियो सीरीज AutoCAD की परचेज करना चाह रहे हैं, या आप मुकम्मल सीडी कलेक्शन मैप्स की सीडी मुकम्मल कलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें, या इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस ईमेल पे या हमारे स्काइप की आईडी पे या हमारे हेल्पलाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं। ईमेल है हमारा xpacademy@ymail.com, हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03439017779 पे। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, इस उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी दुआ में हमें याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।